21 के दूसरे हिस्से में हम सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम तीन तरह के रेडिएशंस देखेंगे, अल्फा, बीटा और गामा डिके, और आखिर में हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को स्टडी करेंगे। एटॉमिक न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनता है, उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है, मगर इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, क्योंकि कूलम्स फोर्स हमेशा लाइक चार्जेस को रिपेल कराता है। तो इसका जवाब है कि कूलम फोर्स इनको रिपेल कराने की कोशिश कर रहा होता है, मगर एक और फोर्स जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ये एक बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह, मगर ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है इसकी रेंज इतनी कम होती है कि ये सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियस तक महदूद होता है, ये इसको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखता है और ये फोर्स ऑफ कूलम फोर्स को ओवरकम कर लेता है और इसकी वजह से एटम जुड़ के रहता है उसका न्यूक्लियस। मगर जब हम उन एलिमेंट्स की बात करें जिनका एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एटम्स इतने बड़े होते हैं कि वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में से निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर कूलम फोर्स उनको रिपेल करा रहा होता है प्रोटॉन्स को एक दूसरे से, तो ओवरऑल उसका एटॉमिक न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, वो टूटने की तरफ जा रहा होता है। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने साइज को छोटा करने की कोशिश करता है और ऐसा करने के लिए वो पार्टिकल्स एमिट करता है या रेडिएशन एमिट करता है। पार्टिकल्स का मतलब है वो कुछ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स एमिट करेगा और रेडिएशन एमिट कर सकता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके रेडिएट कर सकता है। ऐसा करने से उसका मास, एटॉमिक न्यूक्लियस का मास कम होना शुरू हो जाता है, जब एक खास हद से मास कम होता है तो फिर वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके, जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस या पार्टिकल्स एमिट करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। डिके क्योंकि वो उसका मास कम हो जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं कि एटम का न्यूक्लियस एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। अब एलिमेंट्स किस तरह आइडेंटिफाई होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है। 6 प्रोटॉन वाला कार्बन होता है, 2 प्रोटॉन्स वाला हीलियम होता है। तो जब एक एलिमेंट किसी भी वजह से उसके एटॉमिक न्यूक्लियस में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम या ज़्यादा हो जाएं, तो वो किसी और एलिमेंट में बदल जाता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरी में कन्वर्ट हो जाए। जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, जब एक एटॉमिक न्यूक्लियस कुछ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स अपने ऊपर से हटा देता है, तो इस प्रोसेस में वो एलिमेंट नहीं रहता जो वो पहले था, बल्कि कोई और एलिमेंट बन जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी होती है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि रेडियो एक्टिव मटेरियल में से रेडिएशन निकल रही है, मगर उनको नहीं पता था कि इस रेडिएशन में क्या है, पार्टिकल्स हैं या उनका क्या चार्ज है। इसको पता करने के लिए उन्होंने इसके सामने एक इलेक्ट्रिकल प्लेट रखी, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। इस बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल, उसके आगे एक ओपनिंग है जिसमें से रेडियो एक्टिव डिके निकल रहा है। उन्होंने ये देखा कि जो रेडिएशन है उसका कुछ हिस्सा सीधा चला जाता है, कुछ हिस्सा नेगेटिव प्लेट की वजह से राइट को मुड़ जाता है और कुछ हिस्सा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके लेफ्ट को मुड़ जाता है। उस वक्त उनको नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने इसके नाम रख दिए बीटा और जो स्ट्रेट जा रहा था उसको उन्होंने गामा कह दिया। इससे एक बात पता चलती है कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे जब भी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अल्फा डिके को मजीद एनालाइज करने के बाद पता चला कि अल्फा डिके में एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है और अल्फा पार्टिकल्स दरअसल हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी पेरेंट न्यूक्लियस ऐसे पार्टिकल्स एमिट कर रहा है जिनके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं सिर्फ। इसके अलावा वो पेरेंट न्यूक्लियस खुद चेंज हो जाएगा, वो किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाएगा क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको पेरेंट न्यूक्लियस, और जो वो नया एलिमेंट बन जाता है उसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं।
अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, सिर्फ दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एमिशन ऑफ अल्फा डिके फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कॉजेस, अल्फा डिके क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई, टू प्रोटॉन्स प्लस टू न्यूट्रॉन्स। जब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से ये पार्टिकल निकलेगा तो पीछे जो एलिमेंट बच जाएगा वो उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। एटॉमिक नंबर जेड होता है, एटॉमिक नंबर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ए से एटॉमिक शुरू होता है तो उनको लगता है ए जो है वो एटॉमिक नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जेड में से टू निकल जाएगा, और मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, टोटल फोर, तो ए में से फोर निकल जाएगा। हम वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें ए डिक्रीजेस बाय फोर एंड जेड डिक्रीजेस बाय टू, ऑप्शन ए। ये कुछ मिस प्रिंट है लेकिन हमें ए और जेड नजर आ रहे हैं। जो पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए उनको हमने बीटा डिके कहा, और इनका मजीद एनालिसिस करने पे हमें पता चला कि ये दरअसल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो न्यूक्लियस था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो पेरेंट या डॉटर नहीं होगा, वो वही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे, मगर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा प्लस एक और पार्टिकल एमिट करेगा जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो इस तरह डिस्कवर किया गया कि जो बीटा डिके की रेडिएशंस थी उसकी एनर्जी वेरिएबल थी, कभी ज़्यादा कभी कम, तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे जिनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है तो फिर उस वेरिएबल एनर्जी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, उसको एक्सप्लेन किया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो से। न्यूट्रिनो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है मगर ये इसकी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकती है, कभी ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेता है, कभी ये कम काइनेटिक एनर्जी लेता है। इन अ क्लाउड चैम्बर पाथ ऑफ बीटा पार्टिकल्स, अभी जो हम देख रहे थे कि रेडियो एक्टिव मटीरियल के अंदर से रेडिएशंस तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई, इसको क्लाउड चैम्बर कहते हैं, और उसमें ऐसी गैस होती है जिसकी वजह से हमें इन पार्टिकल्स की पाथ्स नजर आ रही होती हैं। तो बीटा पार्टिकल की पाथ कैसे होगी, अल्फा पार्टिकल्स की रेंज सबसे कम होती है, तो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो उनका कर्व सबसे कम होता है, गैमा पार्टिकल स्ट्रेट जाते हैं, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मगर उनका कर्व अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होता है। तो हमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, बीटा पार्टिकल स्ट्रेट थिक एंड शॉर्ट, थिन वेवी लॉन्गर। अब स्ट्रेट वाले दोनों ऑप्शंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट पाथ नहीं होती बीटा पार्टिकल्स की, वेवी होती है, वेवी लॉन्गर या वेवी शॉर्टर, लॉन्गर क्योंकि शॉर्टर इसकी बनस्पत अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। गैमा रेडिएशंस वो रेडिएशंस थी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकल के स्ट्रेट जा रही थी और इलेक्ट्रिकल प्लेट्स का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। इनके ऊपर मजीद रिसर्च से पता चला कि गैमा रेडिएशंस दरअसल हमारा पेरेंट न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता मगर वो रेडिएशन एमिट करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम फोटॉन्स भी कह सकते हैं, फोटॉन्स एमिट करता है जो कि गैमा रेंज में होते हैं, इसलिए इसको हम गैमा डिके कहते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस को, हमने देखा कि ये किस तरह के होती हैं। अल्फा डिके हीलियम न्यूक्लियस होता है, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, बीटा डिके दरअसल इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स होते हैं, और गैमा डिके फोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सबसे कम रेंज अल्फा डिके की होती है कुछ सेंटीमीटर्स, फिर उसके बाद बीटा डिके कुछ मीटर्स तक जाता है, जबकि गैमा डिके लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, मगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ इसकी रेंज ओबे करती है, यानी 1/r² जब हम रेडियस को डबल करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ 4 टाइम्स कम हो जाती है। अल्फा डिके की पेनिट्रेशन सबसे कम होती है, एक कागज़ के टुकड़े में से ये नहीं गुजर सकता, बीटा डिके एल्यूमिनियम शीट के अंदर से नहीं गुजर सकता, आप 1-5 mm की एल्यूमिनियम शीट रख सकते हैं इसको ब्लॉक करने के लिए, जबकि गैमा डिके को ब्लॉक करने के लिए आपको 1-10 cm की लेड की शीट रखनी पड़ेगी। अल्फा डिके सारा एक ही एनर्जी के ऊपर होता है क्योंकि एक हीलियम का न्यूक्लियस एमिट हो रहा होता है, हमेशा उसमें दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो एक ही एनर्जी के साथ एमिट होते हैं। बीटा डिके के अंदर वेरिएबल एनर्जी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो भी एमिट होता है, और न्यूट्रिनो की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वेरिएबल होती है, कोई न्यूट्रिनो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई कम, तो ओवरऑल अगर हम बीटा डिके की रेडिएशन की एनर्जी देखें तो वो वेरिएबल होती है। गैमा डिके की वेरिएबल होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक रेंज के अंदर होती है, और रेंज के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से उसकी एनर्जी चेंज होती है।
अल्फा डिके की स्पीड भी सबसे कम होती है क्योंकि ये हैवी होता है, इसका मास ज़्यादा होता है, इसकी स्पीड 10^7 मीटर पर सेकेंड तक होती है। बीटा डिके की, चूँकि ये लाइट होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन के जितना मास होता है मगर साइन ऑपोजिट होता है, 10^8 मीटर पर सेकेंड तक। और गैमा डिके लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। पाथ ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर ऑब्जर्व एज शोन इन द फिगर, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज शोन इन पाथ वन। चूंकि हमारे पास फिगर नहीं है तो हम इमेजिन कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो प्लेट्स हों पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव प्लेट्स की तरफ टर्न करते हैं, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर पॉजिट्रॉन होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और गेमा रेडिएशन सीधी आगे जाती हैं, कैथोड रेज किधर जाएंगी, कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैथोड रेज भी वही पाथ फॉलो करेंगी जो बीटा पार्टिकल्स करते हैं। तो हमारे पास फिगर नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास फिगर हो तो हम इन तीनों को देखते हुए बता सकते हैं। अमंग थ्री टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन विच हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेशन पावर, गैमा हम देख चुके हैं, गैमा अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप W डिकेज टू X एंड देन टू Y एंड देन टू Z, यानी एक आइसोटोप W है वो डिके होता है, फिर वो एलिमेंट X में बदल जाता है, फिर एलिमेंट X Y में बदल जाता है और Y Z में बदल जाता है, यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हो रही है। वट इज द चेंज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम W टू Z, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये लूज कर रहा है। डिके का मतलब है कि डिकेज लिखा हुआ है, डिके का मतलब है कि वो लूज करता है, डिके का मतलब होता है वो अपना मास कम कर रहा होता है, तो इन एनी केस एटॉमिक नंबर कम ही होता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, या सेम रह सकता है या कम हो सकता है, तो इंक्रीजेस वाले दोनों ऑप्शन हम हटा सकते हैं। चूंकि हमारे पास फिगर नहीं है इसलिए हम 5 या 3 का आंसर नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको आइडिया ले सकते हैं इस MCQ से। अ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेज टू अल्फा पार्टिकल्स, दो अल्फा पार्टिकल्स उसने उसमें से निकले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्टेटस ऑफ डॉटर एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर ए एंड चार्ज नंबर, या मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी कहते हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा होता है, जेड। दो अल्फा पार्टिकल्स एक पेरेंट एलिमेंट में से निकले, दो अल्फा पार्टिकल्स का मतलब है चार प्रोटॉन्स और चार न्यूट्रॉन्स, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो डॉटर वाले एलिमेंट के अंदर से एक उसका एटॉमिक नंबर होता है, जब एटॉमिक नंबर जेड में से 4 प्रोटॉन्स निकालते हैं तो Z-4 हो जाएगा, और मास नंबर में से अगर हम टोटल फिर 8 निकालेंगे मास नंबर में से, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, हमारे पास Z डिक्रीजेस बाय 4 एंड A डिक्रीजेस बाय 8 वाला ऑप्शन ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन C है। अ यूरेनियम आइसोटोप अंडरगोज 1 अल्फा डिके एंड 1 बीटा डिके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द फाइनल पार्टिकल, ये यूरेनियम आइसोटोप है, ये इसका डॉटर आइसोटोप बनेगा, एक अल्फा डिके है यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकले, प्लस 1 बीटा डिके, बीटा डिके का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं क्योंकि न्यूट्रिनो न्यूट्रल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से चेंज होता है, तो 2 प्रोटॉन्स उसमें से कम हो जाएंगे, 92 to 34, यूजली U-234 जो बड़ा नंबर होता है वो मास नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 92 में से 2 निकाल दें तो 90 बच जाएगा। बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ बीटा डिके, हाउ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस चेंज, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जब बीटा डिके होता है, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, तो एटॉमिक और मास नंबर दोनों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए कोई असर नहीं पड़ता।